बचपन बचपन कितना प्यारा होता है ना, इस मासूम को ही देख लो। अब बचपन को अच्छा क्या बनाते थे, कार्टून शोज। मेरे फेवरेट शिनचैन और डोरेमोन, एक्चुअली डेक्स्टर्स और पावरपफ गर्ल्स, और साथ में गारफील्ड और बहुत ही सारे और भी कार्टून शोज थे यार। हर्ष, तेरा कौन सा फेवरेट था? यार मेरा फेवरेट तो टॉम एंड जेरी था, और मिकी माउस था, डोनाल्ड डक था। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, सारे डिज्नी डिज्नी कैरेक्टर्स। मेरे को सबसे ज्यादा ना अच्छा इनका तब लगता जब ये भर भर के खाना खाते थे, और इसीलिए हमने डिसाइड कर लिया कि आज 24 आवर्स हम खाने वाले कार्टून फूड्स, जो हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स थे उनके फेवरेट फूड, लाइक डोरेमोन का डोरियाकी केक, शिनचैन का चिली मोमोज, पिज्जा और भी बहुत सारी चीज, चोकोस खाता था बहुत खुश होके। हम सारा खाना आज खुद बनाने वाले हैं और 24 आवर्स सिर्फ यही सब खाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, मेरा वॉइस ओवर सुन के आप समझ ही गए होंगे कि हम शिनचैन का खाना खाने वाले हैं। और शिनचैन क्या सबसे ज्यादा खाता था? पिज्जा, चोकोस, चिली मोमोज। पर आपको वो एपिसोड याद है जिसमें शिनचैन खाता है वो डबल वाला पिज्जा जिसमें एक साइड पे चीजी चीज होता है और एक साइड पे वेजीज? तो मैंने सोचा आज हम सबसे पहले बनाएंगे वही वाला पिज्जा और साथ में खाएंगे चिली मोमोज। आज हम खाएंगे मोमोज। आज मैं भी शिनचैन की तरह खाऊंगी चिली मोमोज, चिली लगा के। वाओ, सो गुड शिनचैन। मोमोज तो ठीक है, बट तूने ये सब क्यों रखा हुआ है? पिज्जा रखा हुआ है दो कलर का और ये चोकोस रखे हुए हैं। तेरे को पता है ना शिनचैन कितनी सारी चीजें, अलग अलग चीजें खाते हैं। शिनचैन की फेवरेट चोकोस, तो मैंने सोचा अशर को खिलाएंगे चोकोस, हमारा छोटू शिनचैन। और तुझे वो एपिसोड याद है जिसमें शिनचैन पिज्जा खाता है, उसके पिज्जा की प्लेट में दो टाइप के पिज्जा पड़े होते हैं हाफ एंड हाफ में? ओ, तूने वही सब कुछ क्रिएट किया है। मैंने सोचा आज तो भाई अपने फेवरेट कार्टून के फेवरेट खाने खाने, तो बिल्कुल कैरेक्टर में घुस जाते हैं। चलो हर्ष, मुझे पिज्जा खाने दो, मुझे बहुत मन कर रहा है पिज्जा खाने का। तुम भी खाना चाहोगे मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, आओ फिर बैठो और मेरे साथ एंजॉय करो मेरा फेवरेट पिज्जा और चिली मोमोज। अशर, आपके लिए चोकोस। वाओ मामा, मैं तो छोटू शिनचैन हूँ, मैं खाऊंगा चोकोस। बेटा एक तो उठा लो, पूरी मुट्ठी भरनी है इसको। हर्ष पापा पे गया ना। बेटा बेटा एक खाओ तो सही, खाओ तो सही। बेचारा सोच में पड़ गया, खाऊं कितने गिराऊं कितने। अच्छा चलो, जो आपने गिराए हैं वो भी खाओ और ये भी खाओ। गुड मामा, ये चोकोस तो कितने टेस्टी है, मुझे तो पता ही नहीं था चोकोस इतने टेस्टी थे। पापा पापा शिनचैन की तरह तो मेरे फेवरेट हो गए, और दो ना मुझे, और दो ना चोकोस। वाओ यम्मी। यू नो व्हाट गाइस, एक कार्टून शो जो मेरी मेमोरी में आज तक पूरा फ्रेश है वो था स्कूबी डूबी डू वेर आर यू। स्कूबी और शैगी की दोस्ती तो आप सबको याद ही होगी। आपको ये भी याद होगा कि शैगी बनाता था वो सबसे बड़ा वाला डबल ट्रिपल डेकर सार्डिनी एंड मार्शमेलो फज सैंडविच। मार्शमेलोज होते थे बहुत सारे, फज होता था, मैं हमेशा से ये बनाना चाहती थी, और आज मुझे मौका मिला है तो यहाँ पे मेरे पास पूरी बड़ी ब्रेड है जिसका मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। बहुत सारे मार्शमेलोज है, बहुत सारा चीज है और बहुत सारा लेटेस है, और हम बनाने वाले हैं अपना डबल ट्रिपल डेकर सार्डिनी मार्शमेलो सैंडविच। पहले लगाएंगे चीज, फिर लगाएंगे लेटस, फिर लगाएंगे ब्रेड, फिर लगाएंगे चीज, फिर लगाएंगे लेटस, फिर लगाएंगे ब्रेड, फिर लगाएंगे मार्शमेलोस, फिर लगाएंगे ब्रेड, फिर लगाएंगे लेटस, फिर लगाएंगे ब्रेड, फिर लगाएंगे चीज, फिर लगाएंगे ब्रेड, अब डालेंगे चोको फज और बहुत सारे मार्शमेलोस, फिर डालेंगे ब्रेड, फिर लगाएंगे लेटस, फिर लगाएंगे ब्रेड, फिर लगाएंगे बहुत सारे मार्शमेलोस, फिर लगाएंगे चीज, फिर लगाएंगे ब्रेड, फिर लगाएंगे लेटस, फिर लगाएंगे और थोड़ा सा फज, और लास्ट लेयर पे लगाएंगे बहुत सारे मार्शमेलोस, चीज और लेटस। और ये हमारा रेडी हो गया डबल ट्रिपल डेकर सार्डिनी एंड मार्शमेलो एंड फज सैंडविच। शैगी का तो हमेशा स्कूबी खा जाता था, तो मेरा कौन खाएगा? हर्ष, आओ पहली बाइट लो। ये तो ऑब्वियसली मैं ही लेके भागूंगा और खाऊंगा। हाँ तेरा मुंह भी नहीं दिख रहा है इसके ऊपर तो। भाई फर्स्ट बाइट कैसे लेगा हर्ष? भाई बंदे ने खा ही लिया। आजा अशर, अशर का एक महीने का खाना। पापा मुझे भी खिलाओ ना, ये तो मार्शमेलो वाला, इसमें तो चोको फज है। खा सकते हो बेटा, आजा। बेटे अशर भी देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा सैंडविच, पापा की शक्ल से बड़ा सैंडविच। सही बता, टेस्ट कैसा है, किस चीज का टेस्ट प्रोमिनेंट है? मार्शमेलो। सीरियसली गाइस, वैसे आप लोगों का सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा था और उसका फेवरेट खाना कौन सा था जरूर बताने। इसको बहुत मजा आ रहा है सैंडविच के साथ, लिटरली बहुत अमेजिंग बना हमारा ये स्कूबी शैगी ट्रिपल डबल डेकर सार्डिनी एंड मार्शमेलो फज चॉकलेट सैंडविच। ये कौन सा कार्टून देख रही है प्रेरणा? यार स्पंजबॉब और पैट्रिक, ये दोनों देख ट्रिपल गूगलबेरी आइसक्रीम बना के लेके आए हैं। कौन सी
कौन सी आइसक्रीम? ट्रिपल गूगल बेरी आइसक्रीम। तू सच में बना सकती है मेरे लिए ये इतनी जबरदस्ती आइसक्रीम? बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आइसक्रीम है। ये बनाएंगे मम्मा और अशर पापा के लिए। ठीक है पापा के लिए बनाते हैं। ओके डन। बिल्कुल ऐसी दिखनी चाहिए। अरे 100% ऐसी, इससे भी अच्छी दिखेगी। चल फिर आ जा। वाह प्रेरणा, तू तो तैयार है। बिल्कुल यार, तेरे को क्या लगा था मैं हल्के में नहीं लेती चीजें, एकदम प्रोफेशनली करने वाली हूँ तेरे लिए। आई एम एक्साइटेड। आइसक्रीम आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ये वाली आइसक्रीम खाऊंगा आज मैं। देख लो सब, देख लो, देख रहे तू? थोड़ी बहुत फील तो आ रही है। पूरा बना गूगल बेरी आइसक्रीम, ट्रिपल ट्रिपल गूगल बोले बोले आइसक्रीम। और ये हमारी गूगल बेरी आइसक्रीम रेडी है। वाओ, और अब ये आइसक्रीम मेरे पेट में जाने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड हर्ष, ट्रिपल लेकर गूगल बेरी आइसक्रीम। अब ये पूरी आइसक्रीम मैं खाऊंगा, अशर को भी नहीं दूंगा। अशर को खानी भी नहीं है, तू कैसे खाएगा? सही है भाई, इन्वेंशन तेरी है, तू ही खा और अच्छे से खा और कार्टून बन जा भाई। इतनी यम्मी है ना, आई फिट। आप सभी घर पे ट्राई करो, आई स्वेयर आपको मजा आ जाएगा ये बनाने में। बेस्ट है, बेस्ट, आज तक की बेस्ट आइसक्रीम। वाओ अशर, तू तो पूरी चेयर उठा पाते है, इतनी ताकत है तेरे में। तू बड़ा होके पक्का ब्लूटो का खात्मा करेगा अशर। यू आर पॉपाय द सेलर मैन, टडडडम, पॉपाय द सेलर मैन। ओ भाई, तू देख कैसे चेयर को ऐसे धड़ाम धड़ूम फेंक रहे इधर उधर। यार पॉपाय क्या खाता है प्रेरणा? भाई पोपोय खाता है स्पिनिच, कभी स्पिनिच का हैमबर्गर खाता है, कभी स्पिनिच ऐसे ही खा जाता है। पर हर चीज़ तो स्पिनिच खाती ही नहीं, कैसे खाएगी वो? अरे तो अशर को बनना है ना पोपोय, मुझे थोड़ी ना ब्लूटो से लड़ाई करनी है। चल फिर प्रेरणा, मेरे लिए स्पिनिच वाला हैमबर्गर बना। अरे तू बना ऐसा कर, क्योंकि मैं तो स्पिनिच खाती नहीं। चलो अशर आ जाओ बनाते हैं अशर के लिए स्पिनिच बर्गर। प्रेरणा तेरे को ये वाला हैमबर्गर याद है ना? बिल्कुल यार, बहुत अच्छे से। स्पिनिच स्पिनिच स्पिनिच, ऑलिव्स, अनियन, टमाटो, चीज, पूरी 1,00,000 कैलोरीज थी इसमें। तो चलो फिर यही बनाते हैं। चलो बनाओ फिर। स्पिनिच, मोर स्पिनिच, टमाटो 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 टमाटो, मोर स्पिनिच, मोर स्पिनिच, चीज, मोर स्पिनिच, मोर स्पिनिच, मोर, मोर स्पिनिच, अनियन, मोर स्पिनिच। हर्ष ऐसे लग रहा है सिर्फ गाने को डालने के लिए कुछ बना रहे हैं। बहुत सारे ऑलिव्स, पापा की फेवरेट ऑलिव वाले ऑलिव, ऊपर से कुछ टोमेटोस। अरे भाई इसमें सैंडविच कहाँ है? थोड़े से अनियंस। ओके नाउ माय हैमबर्गर इज रेडी। एक बाइट लेके दिखा दे इसकी बस। भाई अगर पोपाय बनना है तो ये खाना पड़ेगा। एक्चुअल में पता लग रहा है 1,00,000 कैलोरीज है इसके अंदर। नहीं उसकी 1,01,000 हो गई थी ना, फिर उसने एक वोट आया था। तू भी हटाए कॉले? पर मेरी तो 1,00,000 ही है। नहीं नहीं मैं हटा देती हूँ कॉले, 1 कैलोरी कम कर दी हमने। ओके तो अब मैं ये खाने वाला हूँ। दबा के इसको छोटा कर दिया था। अच्छा पेट में जाके वैसे भी सब छोटा हो जाएगा। अब छोटा हो गया, अब खा पाऊंगा ना आराम से। चलो खा के दिखाओ। बेटा तू भी खा ले थोड़ा सा। थैंक यू भाई, ये तो सच में खा भी पोपोय की तरह रहा है। फटाफट 3-4 बाइट्स ले पोपोय की तरह, वैसे वो तो एक ही बार में गुड़ूप करता है। आई पोपोय द सेलर मैन, टुडुडुडू, वेरी गुड, यू डिड इट मैन। आज पेपा पिक की तरह खाएंगे उसका फेवरेट फ्रूट केक। वो एपिसोड याद है आपको, प्रिटेंड फ्रेंड वाला? उसमें वो बताता है कि पेपा पिक को पसंद होते हैं फ्रूट केक, और ये फ्रूट केक जाने वाला है मेरे पेपा पिक के लिए। अशर के पास सेम पेपा पिक की प्लेट है कि जिसको बहुत क्यूट लगता है, उसकी राइम सुनते हैं, अशर को खिलाते हैं सेम टू सेम फ्रूट केक। आ जाओ अशर। अशर बेटा देखो आपके लिए क्या है, पेपा पिक। इट्स रेनिंग आउटसाइड, इसीलिए हम पेपा पिक को खिलाएंगे उसको फेवरेट फ्रूट केक। अशर ये लो बेटा, ये लो फ्रूट केक। अरे बेटा बेटा, तो अशर को नहीं खाना फ्रूट केक अभी, उसका मन नहीं है, तो मैं ही खा लेती हूँ। अशर देखो खाना चाहिए, इट्स वेरी टेस्टी। पेपा पिक का भी खेलने का मन है, कह रहे हैं मुझे खाना नहीं है बस खेलना है। मामा पेपा पिक, पेपा पिक, मामा मेरे को यहाँ पे किचन किचन खेलना है, मुझे नहीं खाना फ्रूट केक। इट्स माय बर्थडे, स्लीपिंग ब्यूटी का बर्थडे याद है? सैगिंग केक बनाते हैं उसके लिए, पिंक कैंडल्स लगा के पूरा केक गिर रहा होता है, फिर उसे ब्रूम स्टिक से खड़ा कर देते हैं सीधा। Oh my God, मैं तो कैंडल भी खा सकती हूँ, बहुत टेस्टी यार। तो ऐसी किसी सोच से ये केक बना है ना भाई? यार पर तुम देखो कितना सुंदर बना है, एक्चुअल में गिरने वाला है ये केक। प्रेरणा इससे पहले ये केक गिरे इसको खा लेते हैं ना। क्या बनाया बनाने वाले ने यार। हर्ष मैं झाड़ू से स्टार्ट करूँ? हाँ हाँ हाँ, अगर मैंने झाड़ू हटाया तो केक गिर ना जाए। तुम नहीं 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 नह
भाई सही मिल गया। झाड़ू यार, हैरी पॉटर का झाड़ू फेल कर दिया इस झाड़ू ने। इस झाड़ू को लेके तो उड़ भी सकती है। बहुत अमेजिंग है यार, मेरा फेवरेट एपिसोड है आज, क्योंकि मैं अपने सारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स की फेवरेट चीजें ट्राई कर रही हूँ। कितना सही केक है एक्चुअल में, ब्लू ब्लू। वैसे गाइस, कौन कौन चाहता है अशर के बर्थडे पे केक स्मैश करे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अशर के फर्स्ट बर्थडे के लिए। ऐसा ही कुछ केक बनाएंगे, आप बताओ कमेंट्स में कैसा केक बनाना चाहिए। जो बेस्ट कमेंट बताएगा और जिसका केक हम सिलेक्ट करेंगे वो बनेगा सब्सक्राइबर ऑफ नेक्स्ट वीक। वैसे इस वीक के सब्सक्राइबर्स परिणित, अनुरिता और खुशबू। अशर बेबी ये देखो, डोरेमोन एनीवेयर डोर से कहीं भी पहुंच जाता है। वो खाता है डोरियाकी केक, उसका फेवरेट। ममा आज अशर को डोरियाकी केक खिलाएगी। डोरेमोन मुझे अपनी एनीवेयर डोर से प्लीज पहुंचा दो ना मेरे न्यू हाउस, मुझे मेरा न्यू हाउस देखना है। चलो प्रेरणा, तुम्हें एनीवेयर डोर से लेके चलता हूं तुम्हारे न्यू हाउस, लेट्स गो। अरे वाह डोरेमोन, तो तुमने मुझे एनीवेयर डोर से मेरे न्यू हाउस बुला लिया। वाओ यार, अब मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ डोरियाकी केक। पर ये ना मैं घर के अंदर खाना चाहती हूँ, पर इस टाइम तो तुम्हें घर दिखा नहीं सकती। मे बी नेक्स्ट टाइम, अभी हम वो गार्डन है ना वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे बैठ के डोरियाकी केक खाते हैं, लेट्स गो। अशर याद है बेटा आपको वो एपिसोड जिसमें डोरेमोन डोरियाकी केक खाता है? इतने सारे एपिसोड्स में खाता है, आपको क्या याद होगा? चलो मम्मा आपको खिलाएगी। देखो कितना प्यारा डोरा केक है, इसको मैं ब्रेक करके देती हूँ ना, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। ओ भाई, ये तो वही वाले पैनकेक्स है जो डोरेमोन खाता है। हाँ बेटा खाओ, लो पहले आपको। बहुत अच्छा, ऑथेंटिक बना है। आई कांट बिलीव इंडिया में भी डोरियाकी केक मिलता है। बेटा खा लो ना, अगर इतना ही मन कर रहा है तो। यम 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 यम। देखो पता है, लज़ाने इज प्रूफ दैट चीज मेक्स एवरीथिंग बेटर। और मैं लेने वाली हूँ अपनी फर्स्ट बाइट। मुझे नहीं पता ना ये कौन सी डिश है। Nope. मैं बताती हूँ, ये गारफील्ड की फेवरेट लज़ानिया। चीज मेक्स एवरीथिंग बेटर। तो मेरा डिनर सबसे अच्छा बनाने वाला है लज़ानिया, और मैं खाने वाली हूँ यमी यमी इन माय टमी। ओह माय गॉड, इट्स सो माउथ वाटरिंग, मेरे को तो पानी आ रहा है यार। ओह माय गॉड हर्ष, इतना टेस्टी है। एक बाइट खा, मैं सच्ची बता रही हूँ, सुबह से बेस्ट यही है। हो सकता है यार, तू देखना इसके अंदर चीज कितना है यार। मैं गार्फील्ड बन जाऊंगा ना। वाह।